Hey everyone, welcome back to the channel. I hope you guys are doing extremely well. So, आज हम लोग करने वाले हैं LeetCode profile review. LeetCode का नया UI update आया, जिसके बाद profile review करना LeetCode पे बहुत बहुत easy हो गया है. तो मैं अकेले नहीं करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ अर्श के साथ. He's currently working as a software engineer at Samsung. And आप लोग जानते ही हो उसके बारे में. He keeps on giving all the hiring updates. Like India में अगर कोई hiring हो रही है तो पक्का अर्श को follow करो, you'll get to know about that. एंड ज़्यादा इंट्रोडक्शन के लिए मैं अर्श को ही बोलूंगा. अर्श कहनी जस्ट क्विकली, मतलब छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दे, उसके बाद रिव्यू शुरू करते हैं. हाय एवरीवन, दिस इज अर्श गोयल. तो आज इस वीडियो में हम LeetCode के बारे में बात करने वाले हैं. आई एम करंटली वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट सैमसंग एंड अलॉन्ग विद दैट आई रन अ यूट्यूब चैनल वेयर आई पुट कंटेंट रिलेटेड टू इंटरव्यू प्रिपरेशन, रिलेटेड टू जॉब अपडेट्स एंड एवरीथिंग. मतलब एवरीथिंग दैट यू नीड टू आफ्टर लर्निंग DSA, उसके बाद जो तुम्हें चाहिए दैट इज देयर ऑन माय चैनल. तो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को. कौन सा ईयर पे ग्रेजुएटेड? 2021. आई ग्रेजुएटेड इन 2021 फ्रॉम NIT जालंधर. सही है यार, सही है. पंजाबी? पंजाबी एकदम. तो शुरू करते हैं रिव्यू. तो पहला प्रोफाइल खोलते हैं एंड इट्स ऑफ वरुण. तो अर्श, अपन रिव्यू कुछ ऐसा करने वाले हैं कि मतलब प्रोफाइल खोलेंगे एंड मेन मोटिव होगा हम प्रोफाइल देख के क्या हम इसको रेफर करेंगे, क्या कमियां हैं, हम ये वाला चीज़ बोलने वाले हैं. ठीक है, तो ये वाला पहला प्रोफाइल मैंने खोल लिया वरुण का. तो एज ऑन एन ओवरऑल मुझे तो लग रहा है कि प्रैक्टिस की, मतलब कंसिस्टेंसी की कमी है, क्योंकि अगर मैं इसका बहुत मतलब लैग आ रहा है बीच में. इन्होंने काफ़ी टाइम किया कंसिस्टेंसी, शायद उसके बाद प्लेसमेंट लग गई थी, उसके बाद छोड़ दिया. मुझे भी वैसे ही लग रहा है, लगता है प्लेसमेंट लग गई थी उसके बाद छोड़ दिया, फिर कुछ तो सीन है, क्योंकि नवंबर दिसंबर जनवरी गायब, एंड जब आप 3 महीना गायब रहते हो यू आर काइंड ऑफ यही सीन है. और एक चीज़ देख रहे हैं क्या, मतलब कॉन्टेस्ट वगैरह भी कहीं नहीं दिया है, क्योंकि आजकल तो हमारे टाइम पे तो LeetCode कॉन्टेस्ट इतने फेमस नहीं थे. आजकल तो मुझे लगता है हर बंदा जो प्लेसमेंट प्रिपेयर कर रहा है वो LeetCode कॉन्टेस्ट तो दे रहा है. वीकली बाय वीकली का पैटर्न उस हिसाब से सेट है कि मतलब जो ऑनलाइन टेस्ट होता है कंपनी का, अगर तुमने LeetCode वीकली बाय वीकली दिया तो ऑनलाइन टेस्ट में काफी टाइम मैनेजमेंट का इशू नहीं आता. करेक्ट, दैट इज वेरी वेरी रेकमेंडेड. करेक्ट, क्योंकि 1.5 घंटे का जब आप कॉन्टेस्ट देते हो टाइमर चल रहा है, टाइमर के अगेंस्ट नया प्रॉब्लम्स कर रहे हो, सिमिलर लव एनवायरमेंट सेम होता है. तो यार पहला चीज़ तो आपके प्रोफाइल में कॉन्टेस्ट मिसिंग है यार, उसको करो. और सेकेंड चीज़ जो मैं देख रहा हूँ 286 प्रॉब्लम सॉल्व्ड है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है थोड़ा हार्ड की कमी है. मतलब एंड 286 की कैटेगराइजेशन क्या है, मतलब टॉपिक वाइज अगर कैटेगराइजेशन? टॉपिक वाइज देखते हैं, क्योंकि वो नया LeetCode का अपडेट है. लेट्स जस्ट क्विकली चेक इट आउट. बंदे ने डायनेमिक प्रोग्रामिंग किया है 50, बैक ट्रैकिंग 18, डिवाइड एंड कॉन्कर 10, ट्राई 7, यूनियन फाइंड 7, डेटा स्ट्रीम क्विक सेलेक्ट. इंटरमीडिएट में भी बंदे ने ट्रीज करके रखा हुआ है. क्या कमियां लग रही हैं? टॉपिक्स तो इससे मतलब कवर कर लिए, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कर रखे हैं, बट मे बी ये किसी और प्लेटफॉर्म से शिफ्ट हुआ होगा. आई बिलीव किसी और पे कर रहा होगा, उसके बाद LeetCode का हाइप थोड़ा आया तो फिर LeetCode पे करने लग गया. एक चीज तो मुझे जो दिख रहा है कि he has covered all the tougher topics, like अगर मैं देखूँ बंदे ने DP कवर करके रखा है, बैक ट्रैकिंग करके रखा है, डिवाइड एंड कॉन्कर करके रखा है, अगेन यूनियन फाइंड जैसे एक टफ टॉपिक है उस पर भी 7 सवाल किया है, विच इज़ एक्चुअली गुड. ट्राई पे भी 7 सवाल किया है, विच इज़ अगेन वेरी गुड. एंड अगर मैं देखूँ तो बाइनरी ट्री पे भी बंदे ने 37 कवर करके रखा है, विच इज़ अगेन मतलब क्वालिटी वाइज क्वेश्चन, मतलब टॉपिक वाइज सारे कवर कर रखे हैं. BFS देख, बाइनरी सर्च भी उसने 24 करके रखा है. तो अगर मैं टफर टॉपिक्स जो बात कर रहा हूँ, मोनोटोनिक स्टैक पे भी करके रखा है, जो लग रहा है कि मैंने टफर टॉपिक्स तो कवर कर लिया. मतलब इंटरव्यूज का पोर्शन भले ही 286 है, बट हैज कवर्ड द टफर टॉपिक्स, व्हिच इज एक्चुअली वेरी गुड. तो इंटरव्यू सेंस में आई थिंक ही इज क्वाइट प्रिपेयर्ड, क्योंकि ही हैज कवर्ड. प्रॉब्ली थोड़ा डीपी और कर सकते हो, क्योंकि दैट इज अ टफर टॉपिक, तो 50 से ज्यादा आप कर सकते हो. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक लुक्स गुड. थोड़ा कॉन्टेस्ट कर लो टाइम मैनेजमेंट के लिए, थोड़ा कंसिस्टेंसी ले आओ, दैट वुड बी माय रिव्यू. अब आई थिंक फेब में स्टार्ट किया, तो फेब में शायद ऑफ कैंपस में अप्लाई करना होगा. हाँ एग्जैक्टली. कोई नहीं, अपन नेक्स्ट वाला रिव्यू करते हैं. ठीक है, सो इट्स ऑफ कृति. ओके, 453. या दैट्स अ गुड नंबर, एंड कंसिस्टेंसी भी है काफ़ी है, क्योंकि हाँ काफ़ी कंसिस्टेंसी है. थोड़ा यहाँ पे डाउन हुआ है, बट दैट्स नॉट दैट मच डाउन, मतलब किया हुआ है मोस्टली, मुझे लग रहा है एग्जाम्स वगैरह टच में है. हाँ सही बात है, टच पे इजी थोड़े ज़्यादा है, मतलब मैं पर्सनली इतना ईजी प्रेफर नहीं करता हूँ. अच्छा चलिए, काफ़ी सही है. कॉन्टेस्ट किया है क्या? कॉन्टेस्ट कितने हैं? कॉन्टेस्ट तो
यहाँ से कॉन्टेस्ट पता चलता है कि इनका ये रहा अटेंडेड 3 लिखा ना। हाँ इसने 3 अटेंड किया है। ओके इसने एक सॉल्व किया पहले कॉन्टेस्ट पे, एक दो आई थिंक यहाँ पे थोड़ी सी लैगिंग है, मतलब अननोन क्वेश्चंस, टाइम मैनेजमेंट और अननोन क्वेश्चंस आने पे मुझे लग रहा है इश्यूज है। तो आई रेकमेंड कि यार थोड़े कॉन्टेस्ट ज़्यादा करो, कुछ ज़्यादा ही 20 में दिया था एक, फिर 21 में एक कॉन्टेस्ट दिया, तो कहीं ना कहीं कॉन्टेस्ट की थोड़ी सी दिक्कतें हैं। ज़्यादा करो यार, जावा में कोड करते हैं, C++ पे भी सही है। ओके अभी यहाँ पे देखते हैं क्या सारा कवर है कि नहीं, ठीक है। टॉपिक वाइज सही अपडेट दिया यार लीड कोड ने भाई, UI अच्छा लग रहा है दिखने। हाँ टॉपिक वाइज बंदे को पता चल रहा है कि DP नहीं की तो मैंने DP करनी है। एग्जैक्टली तो बंदा ने डायनामिक प्रोग्रामिंग, बंदी ने सॉरी डायनामिक प्रोग्रामिंग किया, ET3 बैक ट्रैकिंग डिवाइड एंड कॉन्कर अगेन सही है। एक चीज मिसिंग लग रहा है, ट्राई। हाँ ट्राई नहीं, पिछले बंदे ने ट्राई किया था, यहाँ पे ट्राई मिसिंग लग रहा है मेरे को। तो यार ट्राई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं रीसेंट देख रहा हूँ अमेज़न के इंटरव्यूज में बहुत ट्राई पूछ रहे हैं एंड पीपल लीव द टॉपिक। हाँ तो मैंने मैं खुद छोड़ा था, पता है तुझे, मैं जब प्लेसमेंट का प्रिपरेशन कर रहा था, माई सेल्फ लेफ्ट इट। तो यार ट्राई तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है 7-8 सवाल के, तो उसको देख लो। आजकल ऐसा है कि ट्राई का क्वेश्चन सेकेंड राउंड में, मतलब स्टूडेंट डिस्कस करते हैं ना इंटरव्यू एक्सपीरियंस, अभी रिसेंट में अमेज़न की बहुत सारी इंटरव्यूज हो रही हैं, तो ट्राई का क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं अमेज़न के इंटरव्यू। हाँ मतलब क्यों छोड़ना है, स्टूडेंट्स लीव दैट टॉपिक, मतलब कम से कम यू शुड बी क्लियर विद द बेस की सॉल्व कैसे करना है, कंप्लीटिंग वो जो होता है ना कि ऑटो कंप्लीट फीचर थोड़ा कैसे सर्च सर्च प्रीफिक्स हो गया, ये सारे कर लेना चाहिए। ज़ोर का एक पैटर्न होता है, 5-6 पैटर्न होते हैं ट्राइज के, आप कल या प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है, लोगों को टफ टॉपिक लगता है लेकिन आपका किस्मत किस दिन खराब हो, टॉपिक छोड़ा किस्मत किस दिन खराब हो पता नहीं है। इंटरव्यू में बंदे ने पूछ लिया आप क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते, आप बेकार रिजेक्ट हो जाओगे। 7 सवाल करने हैं, 6 या 7 सवाल एंड कवर अप हो जाएगा। तो यार प्लेलिस्ट देख लो, आराम से कर लो बात, बाकी नीचे देखते हैं थोड़ा। बाइनरी भी 81 करके रखा हुआ है, सारा ही करके रखा हुआ है जो लग रहा है, बैक ट्रैकिंग वगैरह सब कुछ। प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी प्रैक्टिस की, अब ये नहीं पता कि किस हिसाब से प्रैक्टिस की, यहाँ पे लिंक लिस्ट भी करके रखा हुआ है, मतलब सारे मुझे तो लग रहा है सारे टॉपिक्स ही कवर्ड है। तो बस कॉन्टेस्ट की कमी है, फिर ऑनलाइन टेस्ट में दिक्कत होगी, इंटरव्यूज माइट शी माइट फेयर। हाँ और एक चीज़ भी जो मुझे लगा, जावा C++ दोनों ही है, तो अगर आप दोनों लैंग्वेज करते हो, मैं ऑलवेज रिकमेंड करूँगा कोई भी प्रॉब्लम करो हमेशा दोनों लैंग्वेज पे किया करो, अगर आप दोनों लैंग्वेज पे करते हो एट द स्टैंड। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी होता है आजकल तो बहुत ज़्यादा है, जैसे हैक विथ इन्फीटीक्यू का जो हुआ था उस पर तो उन्होंने C++ अलाव ही नहीं किया। तो आई थिंक टू बी सेफर साइड, अगर आप कर रहे हो, इट्स गुड टू हैव टू लैंग्वेजेस के नॉलेज। क्योंकि जैसे मुझे पाइथन नहीं आता उतना, बट मुझे थोड़ा सिंटैक्टिकल आइडिया है, तो अगर मुझे कोई बोलेगा पाइथन में एग्जाम देने, मैं गूगल करके दे दूँगा। तो इट्स एक लैंग्वेज तक लिमिटेड मत रहो, जैसे इसने C++ भी थोड़ा सा टच किया हुआ है, प्राइमरी जावा है लेकिन C++ टच किया, मतलब इसको नॉलेज है। कल को कोई बोलेगा जावा अलाउड नहीं, तो C++ में जैसे तैसे सर्च वर्च करके कर लेगा, मतलब एटलीस्ट थोड़ा आइडिया होगी, थोड़े क्वेश्चंस किए होंगे ऑन द स्पॉट कुछ ना कुछ। एंड कई बार पाइथन का सिंटेक्स इतना आसान होता है, स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन C++ में बनाने जाओ तो बहुत टाइम लग जाता है, पाइथन अगर आती है तो ऐसे खत्म क्वेश्चन। एग्जैक्टली तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आइडिया रखो लैंग्वेजेस का, कुछ टफ नहीं होता यार, मैक्सिमम 2-3 घंटे के एक वीडियो देख लो, पूरा आइडिया हो जाएगा सिंटैक्स क्या होते हैं। चलो नेक्स्ट वाले में जाते हैं, विच इज प्रीत मानवर, सेकंड ईयर का बंदा है, ठीक है, तो ज्यादा हम लोग टफ नहीं जाएंगे इस पे। पहला बात तो प्रॉब्लम्स बहुत कम है, 166 कॉन्टेस्ट 0, मतलब सेकंड ईयर के हिसाब से हम कह सकते हैं चलो, मतलब मुझे तो पता नहीं था, मैंने थर्ड ईयर के राउंड में स्टार्ट किया था लीड कोड, सो ये इसको पता है। एंड आई थिंक सेकेंड ईयर में हो तो मैं तो रेकमेंड करूंगा सेकेंड थर्ड फोर्थ, 2 साल है आपके पास, हर कॉन्टेस्ट करो, जो कॉन्टेस्ट हो रहा है जहाँ हो रहा है जिस प्लेटफॉर्म पे हो रहा है जाके करो, ठीक है। तो ये वाला चीज़ मेक श्योर करना है कि आपको कॉन्टेस्ट देने हैं। तो सिर्फ कॉन्टेस्ट का बात कर रहा हूँ तो यार कोडकाजे के बारे में बात कर लेते हैं, तो आई जस्ट टेक अ स्मॉल स्पॉन्सर ब्रेक एंड मैं कोडकाजे के बारे में बात करता हूँ। So Codecaze is India's largest coding competition with cash rewards up to 30 lakh rupees. It will be held on 6th of March at 7 p.m.
अबाउट कोडकाज़े देयर आर अप्रोक्सीमेटली 100 प्लस हायरिंग पार्टनर्स इंक्लूडिंग CoinDCX, Tokopedia एंड अदर कंपनीज. You will be having 500 plus job opportunities. So the rank 1 gets 50,000, rank 2 25,000, rank 3 15,000, etc, etc. The coding divas will get rank 1 as 25,000, rank 2 as 15,000, etc. The best thing about it is, if you are among the top 1,000, you are guaranteed to get a 1,000 rupees Amazon voucher. Also, if you are participating from your college and you are rank 1, you get 15,000, given that your college has certain number of registrations. So make sure you have registrations from your college, so that if you are standing first, second, third, fourth, fifth in your college, you get a very, very good lump sum amount. So what are you waiting for? The link is in the description. Make sure you register for Codekaze right away. So let's get back to the video. ठीक है, अभी ये तो था Codekaze के बारे में. अभी back आते हैं review करने अर्श. तो second year के हिसाब से तो सही है. And ये वाला चीज मेरे को अच्छा नहीं लगा. मतलब it's not something which you should write. CRISPR रखो इसको, मतलब या तो अपनी profiles डाल दो, LinkedIn की profile डाल सकते हैं, grad डाल दो, मतलब second year के जगह grad लिखा करो. कौन सा year grad हो, that's सबको मैं हमेशा बोलता हूँ. सेकंड ईयर में गिनूंगा नहीं यार, आज सेकंड ईयर में अच्छा 23 24 25 में ग्रेजुएट होगा, कोई गिनता नहीं है. तो आप बेटर लिखो, मैं इस साल में ग्रेजुएट हो रहा हूँ. एंड ये क्या है, अपार्ट फ्रॉम डीएसएम इंटरेस्टेड इन वेब डेवलपमेंट, सब जरूरत नहीं है. ठीक है, तो आगे जाते हैं. 166 ओके अगेन, यहाँ पे शॉर्ट है, थोड़ा प्रैक्टिस और करना पड़ेगा डीपी पे. डीपी मतलब यार मिनिमम 50-60 तो करना पड़ेगा. डीपी के इतने पैटर्न्स होते हैं, मतलब 50-60 सवाल नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा. लेकिन बैक ट्रैकिंग भी बहुत कम है. यूनियन फाइंड भी थोड़ा और आपको बढ़ाना पड़ेगा. स्टैक तो एकदम ही नहीं किया. मोनोटोनिक स्टैक इंटरमीडिएट एंड फंडामेंटल्स में भी टॉपिक्स काफी नहीं किए हैं. मतलब अगर स्टैक बोला जाए तो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट करोगे, नेक्स्ट स्मॉलर करोगे, तो ही दो प्रॉब्लम्स हो गए. उसके बेसिस पे आपने सवाल ही नहीं किया है, तो वहाँ पे कमियाँ हैं. अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी बाइनरी सर्च थोड़ा और, मतलब मैथ्स और बाइनरी सर्च थोड़ा तो बढ़ा सकते हो. ब्रेथ फर्स्ट सर्च आपने नहीं किया, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. BFS आप लोग कर नहीं रहे हो. अगेन इसमें भी ट्राइज की कमी है, ट्राई भी आपने नहीं किया है. ट्री भी बहुत कम है आपके. तो कहीं ना कहीं आपका जो टफर टॉपिक्स है, ग्राफ हो गया, DP हो गया, ट्राई हो गया, ट्रीज हो गया, थोड़ा कमी है. तेरे को भी लग रहा है क्या सेम? आई थिंक बंदा ना अभी सेकंड ईयर में तो मे बी सारे टॉपिक्स कवर कर रहा होगा शायद. टच करके उसके बाद एक टॉपिक को रगड़ने पे आएगा. मतलब उसका ये शायद अप्रोच होगी कि पहले एक बार सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस, थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि डीपी होती क्या है, थोड़ा आइडिया लग जाएगा ग्राफ होते का, BFS क्या है, DFS क्या है. उसके बाद मे बी, मतलब अगर नहीं भी करेगा तो हम बोल रहे हैं भाई कर ले कर ले यार, लिंक लिस्ट तो कर ले यार. लिंक लिस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्री इंपॉर्टेंट है, ये डीपी इंपॉर्टेंट है, मोनोटोनिक स्टैक तो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बहुत पता है अंडर रेटेड टॉपिक है मोनोटोनिक स्टैक, जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट पे आते हैं ना क्वेश्चंस, बहुत अंडर रेटेड है. हाँ, मतलब उसके एंड पैटर्न में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट के ऊपर, बहुत ज्यादा हर क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस उसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी वेरिएशंस सॉल्व हो जाती है. एंड स्टैक्स में हम टफ क्वेश्चन उसी को मानते हैं. एग्जैक्टली, स्टैक्स में बाकी तो क्या ही है, बोलिए मतलब पैरेंथेसिस सॉल्व करनी या बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ स्टैक्स. बट ये जब नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट उसकी वेरिएशंस, हिस्टोग्राम्स हो गए या फिर वो सारे सवाल हो गए, वो सब मजा आता है करने पे. हिस्टोग्राम्स, रेन वाटर ट्रैपिंग, मतलब कुछ कहीं ना कहीं यूज होता है, वेरिएशन आ जाता है. करेक्ट. तो सेकंड ईयर के हिसाब से यार सही है, बस थोड़े कॉन्टेस्ट ज्यादा करो. ठीक है, नेक्स्ट एंड अपने लास्ट प्रोफाइल ऑफ द डे पे आते हैं, व्हिच इज ऑफ किशन श्रीवास्तव. मैं गिर गया भाई चेयर से. मुझे नहीं लगता मैं रिव्यू करने की जरूरत है इस प्रोफाइल को. सीधा भाई रेफरल ले ले यार. हाँ भाई, तू रेफरल ले ले, तू आ जा, मैं तेरे को रेफर करने के लिए रेडी हूँ. लाइक नाइस मैन, ही हैज अटेंडेड अ बंच ऑफ कॉन्टेस्ट. एंड एक चीज देख रहा है, इस बंदे ने स्टार्ट किया था 21 को, एक सॉल्व किया था, दो जीरो, फिर एक एक एक, दो इम्प्रूवमेंट, तीन इम्प्रूवमेंट हुआ है बंदे का. अब हो जाएगा चार भी धीरे धीरे. 21 कॉन्टेस्ट किए हैं इसने. और देख रहा है, ये एक चीज नोटिस किया गया, ये बंदा फरवरी से, मतलब 300 दिन, मतलब नवंबर से लेके 30 डेज कंटिन्यूअस ये करता है, चैलेंज कर रहा है, व्हिच इज अगेन वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. एक ही चीज अच्छा लगा मेरे को, पता है लीड कोड ने जो डेली चैलेंज किया ना, उसमें पता है बेस्ट चीज क्या है कि हर दिन एक नया प्रॉब्लम आता है, तो आपको पता नहीं किस टॉपिक पे आता है, तो आप सारे टॉपिक से ना टच पे रहते हो. रिवाइज करने के लिए बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है. मतलब आज डीपी आ गया, चलो डीपी का रिवीजन हो गया, कल यार ट्राई पे आ गया, ट्राई रिवाइज हो गया, ट्री पे आ गया, ट्री रिवाइज हो गया. आई थिंक यहाँ पे क्या ही देखेंगे, इसने तो सब करके रखा हुआ. मुझे काफी अच्छे टॉपिक सब देखो, सब कवर किया, देखो ट्राइज किया बंदे ने,
डीबी भी किया हुआ है, बैक ट्रैकिंग किया है, आई थिंक बीएफएस भी किया ही होगा, ये ग्राफ भी किया रखा है, जिसमें 800 900 प्रॉब्लम्स कर, ये वाला देख भाई, डेप्थ फर्स्ट सर्च, ओ माय गॉड, ये देख डायनामिक प्रोग्रामिंग 116 भाई साहब, भाई तू आ जाओ भाई, रेफरल ले ले सैमसंग का इससे और मेरे से भी ले ले भाई सही है, इट्स वेरी गुड एंड कंसिस्टेंसी रोज ही करता है भाई, नाइस अमेजिंग मैन किशन अमेजिंग, आई थिंक दिस वाज द बेस्ट प्रोफाइल फॉर टुडे एट लीस्ट यू हैव सीन फॉर टुडे, या दैट वाज द बेस्ट वन, सो आई थिंक ओवरऑल आपको आइडिया लग गया होगा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सिंपल है, कॉन्टेस्ट करो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, सारे टॉपिक्स को कवर करो, अर्श तेरा वाला तेरा क्या है, यही है क्या, बस यही, मतलब जो लीड कोड का यूआई है ना, मतलब यही जो आइडियोलॉजी बताई कि तीनों चीजें फोकस करनी है वो हाईलाइट हो रही है यहाँ पे, right. सबसे पहली चीज कंसिस्टेंसी सामने से दिख रही है प्रोफाइल की कि बंदा कितना कंसिस्टेंट है, फिर उसके बाद ऊपर इन्होंने कॉन्टेस्ट का नंबर डाल दिया कितने कॉन्टेस्ट इसने किए हैं, दैट्स इट, एंड उसके बाद साइड में जो टॉपिक कैटेगराइजेशन है ना उसमें मतलब इट्स विजिबल कि ये टॉपिक्स कर रहे हैं, मुझे इसमें कमी लग रही है तो ये वाला टॉपिक मुझे और अच्छे से करना है, तो लीड कोड का यूआई आई थिंक काफी अच्छा हो गया, मतलब अभी के लिए तो अमेजिंग अपडेट बाय लीड कोड, मुझे तो बहुत सही लगा यार इनका अपडेट, इट्स वेरी गुड, तो एक चीज यार सबको बता देता हूँ, जो लोग नए नए कर रहे हो लीड कोड, डोंट फोकस ऑन दिस पोर्शन, ये जो रन टाइम वाली चीज होती है ना लीड कोड की थोड़ी सी खराब है, आप ट्राई करना, कभी ब्रूट फोर्स सबमिट करोगे उसकी रन टाइम फास्टर होगी, ऑप्टिमल सोल्यूशन से, लाइक एक क्वेश्चन है सॉर्ट एन एरेज ऑफ जीरोज वंस एंड टूज, ठीक है, उस पर आप ट्राई करना, आप सॉर्ट करके एनलॉग इन से सबमिट करना, तो उसकी जो रन टाइम आएगी ना वो बहुत कम आएगी, और आप काउंटर यूज करके करना बिग ऑफ एन वाली अप्रोच, उसकी जो रन टाइम है ना वो ज़्यादा आएगी, तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैंने नोटिस किया, तो ये वाले चीज़ पर आप ज़्यादा फोकस मत करो, ये इट्स नॉट अ गुड फीचर, क्योंकि ये सर्वर स्पीड पे बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है, आपका इंटरनेट स्पीड, मतलब बेसिकली आपका कोड यहाँ से जाता है वहाँ के सर्वर पे रन करता है, इट्स अ लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट दे टेक इन, सिर्फ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे ये चीज़ नहीं आती है, तो डोंट गो ऑन दिस, जस्ट सॉल्व प्रॉब्लम्स, एंड जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हो जस्ट मेक श्योर हर एक प्रॉब्लम का मोस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है आप करो, बिग ऑफ, अगर वो एन में होता है, आपको अगर एन लॉग इन से आपका हो रहा है, एन लॉग इन से के जगह एन करने की कोशिश करो, जैसे अगर आप डीपी कर रहे हो रिकर्शन पे मत रुको, डीपी अगर कर रहे हो रिकर्शन के बाद टैबुलेशन सीखो, टैबुलेशन के बाद ट्राई करो स्पेस ऑप्टिमाइजेशन करने का, क्योंकि हो सकता है कोई इंटरव्यूअर बहुत ढीट हो, बोलेगा नहीं मुझे रिकर्शन नहीं चलेगा, आप टैबुलेशन बताओ, क्योंकि रिकर्शन ऑक्सिलरी स्टैक स्पेस लेता है, मैं मानूंगा ही नहीं मुझे टैबुलेशन चाहिए, तब आप क्या कर लोगे, डोंट गो कि हाँ एक्सेप्ट हो गया, तो जस्ट वो जस्ट प्रिपेयर इन द सेंस ऑफ कि जो बेस्ट सोल्यूशन इन द वर्ल्ड या फिर इन द लीड कोड है वो करना है, डिस्कशन फोरम सेटिस्फाई करना जैसे, एग्जैक्टली, so that will be it from for the lead code review, so guys I hope you enjoyed it, so thank you Ash for joining, काफी मजा आया review करके, thank you so much for having me here, एकदम, तो Ash के सारे profiles मैंने description पे डाल दिए हैं, पक्का से follow कर लेना, क्योंकि भाई सारे hiring updates वही देता है, अपने तो hiring updates देते नहीं है, तो सारे hiring updates के लिए follow Ash, and इसके channel को भी subscribe कर लेना, and अगर इस channel पे नए हो तो please make sure subscribe to it, वीडियो को लाइक कर देना, एंड इसी के साथ इस वीडियो को रैप अप करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।